सासू तो के कहगी ए भाई रोई मन नो भी ने पेट में रखा ए अल्लाह मां पड़ी ए सूखे में तेरा खसम गेरिया तन आंधी ने कब्जा कर लिया। और बहू के कहगी बाज के कोनी बिडरी पंचा मां हाथ पकड़ कह रही सू आधा अंक की साजी सू इब ना तो सासू झूठ बोल रही और ना बहू झूठ बोल रही और सास ले मेरा बेटा से तू क्या तक कब्जा को ओढ़ करे। सास बहू की आपस में न्यू या सरु लड़ाई जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कला सुवाया करे और जड़ा सास बहू का प्रेम रहे उस घर पर ईश्वर दया करे। जड़ा सास बहू की कला रहे बंद हो जा कति कमाई जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कला सुवाई। ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। और फिलहाल भाई पहला इतरिया बैठे खेतों में यानी जोड़ा शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वातावरण और प्योर जो प्राकृतिक चीज हो अगर बैकग्राउंड आपने देखने लग रहा हरी भरी हरियाली। और बात करा जे अपनी संस्कृति की तो अपनी संस्कृति की जरा बात चल लगी थोड़ा भाई मौसम भी अपना और अपने जो प्रकृति है संस्कृति के साथ साथ या प्रकृति दिखा तो और बढ़िया मजा आज है। लीला राम ब्रियासी जी अपने गले बैठे हैं और पहले भी कविता इनकी बनाई है और अपनी कोशिश है जितना इनका टैलेंट है एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचावा क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखने मिला है इनते बहुत अच्छी अच्छी बात पुरानी दबी बात ये कैटे लेकर आने लग रहे हैं। तो लीला राम जी आपका दोबारा फिर स्वागत। मेरी तरफ से भी सभी ए टू जेड हरियाणा के दर्शकों ने राम राम और सोनू दलाल साहब आपको भी राम राम। देखो जी सोनू दलाल साहब मेरा मानना ऐसा है कि जो हमारा पीछे का युग था द्वापर युग था उस समय माँ बाप की आज्ञा को अनुचित आज्ञा का भी पालन किया करते पुत्र। जैसे उदाहरण मिलता है कि कुंती ने बिना देखे जिस समय द्रौपदी को जीत करके ले आए पांडव तो कुंती ने भीम ने रूखा मार दिया कि माँ देख हमें के ले आए हाँ। कुंती ने सोचा कि मैं खान की चीज ले आए होंगे बोली बेटा पांचू पैंड लो ये वो थी बहू बता बहू के भंडन की आ कर रहे लेकिन अनुचित आज्ञा का भी उन लोगों ने पालन किया। लेकिन आज का जो समाज है सन 47 के बाद में देश आजाद हो गया। 47 से पहले अंग्रेजों का देश गुलाम था बाप का बेटा गुलाम था सास की बहू गुलाम थी सारे एक प्रकार से चाहे तो उसने गुलामी कह लो चाहे आदर सम्मान कह लो मैं तो उसने गुलामी ये कहूंगा। लेकिन के आज का जमाना समन्वय का न्यूकाग्र नहीं हाथ ना हाथ तो वह है तो समन्वय का जे बाप सही होगा तो बेटा सही होगा जे बाप दारू पी के ना पड़ोसियां ने गाल बकता फरता होगा नहीं तो बेटा उसने गल पकड़ के भीतर लिया होगा क्योंकि बेटे तो दमन कर पड़ोसी शर्मांदे हो और बाप दारू पी पी के गाल दे के ना उन मतलब तंग कर रहा हो तो बेटे की फिर इज्जत कौन से की मानेंगे जो सही सही मानेगा जो न्यूज देखेगा नहीं भाई गलती तो तेरे बाप की है और जिसने बाप की गलती दिख जाएगी तो उसने बाप का गल पकड़ के भीतर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से बाप सही होगा तो बेटा सही होगा सास सही होगी तो बहू सही होगी मेरा मानना ऐसा है। एक चीज भी तो उसके एक मिनट आप कह रहे हो सासू सही होगी तो बहू सही होगी और उसका बहू सही हो बहू सही हो तो फिर सास ने भी सही होना पड़ेगा मतलब बात वह की नहीं देखो खोट एक में भी हो सका दोनों में भी हो सका है लेकिन एक सही है तो दूसरे में सही होना पड़ेगा सासू चाहे बहू तो मेरा इवन दोनों को देखो सास बहू है हर घर की इज्जत मतलब बहू भी उस घर की इज्जत है सास भी उस घर की सासू तो कभी बहू थी सीरियल आकर पहले तो बहू थी फिर बनी सासू हाँ सास और बहू दोनों घर की इज्जत है और जिस घर में सासू बहू की लड़ाई हो गई नहीं तो उस घर की इज्जत ऑटोमेटिक जाती रहेगी और जिस घर में सासू बहू की मतलब समन्वय या प्रेम भाव होगा तो उस घर की मतलब इज्जत बढ़ती रहेगी। इसी विषय पर मैंने दोनों सास और बहू दोनों के लिए जो संदेश देना चाहूं वो ये है इस कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बहू सास ने माता समझो सास बहू ने जाई जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कला सवाई। बहू पैर दबा के सो सास के सुबह उठ प्रणाम करो फिर सास बहू ने आशीर्वाद दो अर्धा नरम गुलाम करो तेरे पति की माता से बहू सो सेवा दिल थाम करो और जे बहू का मतंग दिखे फिर सास का आराम करो।
सास बहू सब सच बोलो, सदा जीते सही सचाई, जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कलासवाई, जहाँ झूठ पैदा हो जाती है नहीं वहां भी लड़ाई होती है, बहू की में कवे और सासू छोरा आगे की में लाके कह दे, या सासू की में कवे बहू छोरा आगे की में जोड़ कहने कह दे, वहां पर भी कड़ा पैदा होगी, जो सत्य वचनों का पालन करेंगे नहीं वहां कड़ा नहीं होगी। फिर वह सास बहू की सोना खावे किसकी, जो बहू सास का कया करे, और जो बिना खोट तंग करे बहू ने वह सास नरक में रया करे, बिन खोट लड़े सासू ते बहू दुख बुढ़ में बारे सया करे, और जड़े सास बहू का प्रेम रहे उस घर पे ईश्वर दया करे, जड़े सास बहू की कड़ा रहे बंद हो जा कति कमाई, जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कला सवाई। फिर सास बहू की लड़ाई के वैसे तो अनेकों कारण है, लेकिन मेरी नजर में जो देखने को मिला है एक मुख्य कारण ये है कि जिसका पति कमाऊ से बहू अत्य गणी मरोड़ करे, मेरा पति बस मेरा से नुकै सासू तक तोड़ करे, फिर उस माँ का दिल रोवेगा जो पाल पोस का ओढ़ करे, और सास जड़े मेरा बेटा से तुम क्या तक कब्जा को ओढ़ करे, सास बहू की आपस में न्यू हो जा सरु लड़ाई, जे सास बहू का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कलासवाई। तो जब सासू बहू की लड़ाई होगी मुकदमा पहुंचेगा छोरे दोरे, छोरा फस जे है लाठी बीच और खोद बीच, सासू तो के कहेगी ए भाई रोई मन नोबी ने पेट में रखा, ए अल्लाह माफ पड़ी, ए सूखे में तेरा खसम गेरिया, तन आंधी ने कब्जा कर लिया, और बहू के कहेगी बाज के कोनी बिडरी पंचा मा हाथ पकड़ कह रही सू अद अंक की साजी सू, इब ना तो सासू झूठ बोल रही और ना बहू झूठ बोल रही, तो छोरा को एक फैसला करे। फिर पुत्र भी छोरे भी तीन प्रकार के हैं, पूत सपूत और कपूत। सपूत कौन से हैं, सपूत तो वे हैं जो बिना कहे इसे काम करें, जो घर परिवार ने भी अच्छे लागे समाज ने भी अच्छे लागे। पूत वे हैं जो कहने के बाद में इसे काम करते जो घर परिवार ना अच्छे लग गए और समाज ने भी अच्छे लग गए। कपूत वे हैं जो अच्छा लगन का तो एक भी नहीं काम करें, भूंडे लगन के सारे काम करें, उनका नाम कपूत है। फिर जदे तो संता ने भी कहा है वह उसी जगह तक पूतावर उसी जगह तक मूत, शुभ कर्म करे तो पूत से नहीं मूत का मूत, मूत के मूता का तो मैं जकरा नहीं करता। सपूता ने के फैसला लेना चाहिए, के बात ध्यान में रख के ये फैसला करना चाहिए। सपूत की बात भी यह है कि बने पुत्र पहले पति बाद में, न्योमा का ज्यादा जिसका जन्म हो गया पुत्र तो सारे बने हैं, पति बनना तो घनखरिया कल लिखा भी को नहीं, बहुत देश नहीं हुए फिर सही भे, मतलब वो पुत्र तो सा पति तो को नहीं बने ले, तो बने पुत्र पहले पति बाद में, न्यूमा का हक ज्यादा, फिर जैसे पुत्र पहक माँ का हो न्यूए पत्नी का भी आधा, बहु छोरे का प्रेम रहे करो सासू ईसा इरादा, माँ बेटे का भी प्रेम रहे बहु करो ईसा कायदा, कह लीला राम खेड़ी जालब फिर दुनिया करे बढ़ाई, जे सास बहु का प्रेम बढ़े हो दिन दिन कला सवाई। इन्हीं बातों के साथ में जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत माता। बिल्कुल भाई, इनमें भी वो कहा है मोती है पोए दी, मतलब बात बहुत जबरदस्त जोड़ रखी है। तो इन बातों में आपका मानना के है, अपनी सोच अपने विचार आपकी जो प्रतिक्रिया वो भी आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए देनी, और आपकी अगर कोई राय है कि भाई अपने जो कवि हैं लीला राम जी शास्त्री जी, लीला राम ब्यासी जी कह लो, हमने तो मजा आवे, क्योंकि भाई देखो होवे इनमें ज्ञान भी बहुत ज्यादा हुआ है, गाना बजाना इनका होया करदा, चलो कोई भी वो कर ले वो अलग चीज है, अगर आपका मन में कोई विचार है या कोई ऐसी मतलब राय है आपकी भाई इस टॉपिक पे इन्हें कविता बनानी चाहिए, तो कमेंट में आप जरूर लिखो, शायद ये पढ़ेंगे। इनका फोन नंबर वीडियो में चलो, इन्हें फोन करके भी आप बताए इसको कि आप इस टॉपिक पे अपनी जो कविता है वो तैयार करो। तो भाई अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान।